कम समय के लिए आओ लेकिन धमाका करके जाओ, तो वो एक डायलॉग रहना चाहिए जो आपका फेवरेट डायलॉग है, हमने सुना है, कुछ कहना चाहेंगे उस डायलॉग को, गुनगुनाना चाहेंगे उस डायलॉग को? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सफ़र भले ही लंबा ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ज़िंदगी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस ज़िंदगी का मज़ा उठाना आना चाहिए। तो यही मैंने किया वहाँ पे कि भले ही सफ़र इतना लंबा नहीं रहा लेकिन जितना रहा हर दिन को मैंने जिया, हर लम्हे को मैंने जिया, हर पल को जिया, और ऐसे जिया कि लोगों को सालों साल वो याद रहे। तो यही मेरी कोशिश थी और बहुत ही ईमानदारी से उस कोशिश को मैं निभा रही थी। तो होपफुली कि उस कोशिश में मैं कामयाब हुई कि भले ही फिनाले तक ना पहुंची हूं पर कुछ यादें तो मैं डेफिनेटली अपने ऑडियंस को देके गई हूं। जैसा कि हमने बातें भी किया, लोग आपको लंबे टाइम तक याद रखेंगे, कम समय के लिए गई आप एक बहुत ही बड़ा धमाका करके आई हैं बॉस के। सर हां, आपका एक्सपीरियंस पर्सनली जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा था, पर हाँ बहुत अच्छा भी नहीं था। जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, कई बार तो मेरा ब्रेकडाउन भी हुआ इन चीज़ों की वजह से कि यार इतना क्यों नीचे लेवल पे जाके खेलना है, इन लोगों को इतने लोगों को गिरा गिरा के इनको क्यों अपने आप को ऊँचा करना है। तो ये मेंटालिटी मेरे लिए बहुत ही नई थी। पहले हफ्ते तो जाके मैं एक्चुअली सदमे में घूम रही थी कि ये क्या हो रहा है घर में, पर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब ये है, ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी ही सही, अब इसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को और उस हालात को अडॉप्ट करने के लिए एक हफ्ता लगा, पर जैसे ही फिर मैंने उसे पिक किया, फिर दिखा दिया उनको कि भाई विनर कोई ऐसे ही नहीं बनता और ऐसे ही किसी को भी टैग नहीं मिल जाता इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ उस घर में बहुत मजाक उड़ाया जाता था इस चीज़ का। मतलब मैंने कुछ एपिसोड्स में देखा तो इसमें इतना हंसने जैसा क्या है या इसमें इतनी मजाक उड़ाने जैसी बात क्या है, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और यही चीज़ उनके मामले में थी, उन बंदरों को उस ट्रॉफ़ी की शायद वैल्यू नहीं थी और कीमत नहीं थी, ऐसे लोगों को वो ट्रॉफ़ी कभी मिलनी भी नहीं चाहिए। कल को अगर वो मेरे घर पे गलती से आ भी गए तो मैं उन्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी, क्योंकि उतनी भी उनकी हैसियत नहीं है कि उस ट्रॉफ़ी को वो छू भी सके। मुझे बहुत बुरा लगता था इस चीज़ का कि जिस शो में आप हो, जिस घर में अभी इसी वक्त हम सब है, उसी घर में रह के मैंने वो ट्रॉफ़ी जीती है। सेम प्रोडक्शन हाउस, सेम चैनल, सेम कास्ट एंड क्रू, जो आसपास सब कुछ सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था। और आप सिर्फ एक लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से उस चीज़ को इतना डिग्रेड करते थे, इसका मतलब आप कितने घटिया सोच रखते हो, कितनी छोटी सोच रखते हो कि आप जिस लैंग्वेज से मैं आती हूँ उसे आप डिग्रेड कर रहे हो, उस स्टेट को डिग्रेड कर रहे हो। और गुस्सा इस बात पर आता था कि कैसे लोग हो तुम कि जिस लैंग्वेज को आप डिग्रेड कर रहे हो उसी स्टेट में आके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बात पे कि जिस स्टेट में आए हो, जहाँ की ये भाषा है, उसी भाषा को नीचे गिरा रहे हो और वही आके अपनी रोटी सेक रहे हो, तो फिर इतना ही तुम्हें वो चीज़ डिग्रेडिंग लगती है, तो भाग जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ पे महाराष्ट्र में? अगर मराठी को आप लोगों को छोटा दिखाना है, गलत दिखाना है, उसे डिग्रेड करना है, तो मत आओ यहाँ पे, अपने अपने स्टेट्स में जाओ और अपने काम धंधे वहीं पे करो, यहाँ मत आओ। और यहाँ आओगे और उसे नाम, हाँ नहीं नहीं, मराठी सीखो ना सीखो, तमीज़ सीख लो, लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी तमीज़ तहजीब सीख लो, वो भी अगर आपके अंदर आ गई तो भी हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो तमीज़ भी नहीं है ना, तो गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ पे आके अगर तुम मेरे सामने मराठी लैंग्वेज को डिग्रेड करोगे, हमारे स्टेट को डिग्रेड करोगे, तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। ऑब्वियसली फिर तुमको जवाब मिलेगा और वो भी करारा जवाब मिलेगा फिर। ओके, क्योंकि जैसे कि आपने कहा गेट आउट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, बिग बॉस के घर में हम देखते हैं आए दिन हर हफ्ते कोई ना कोई आउट होता है, किसी ना किसी की एंट्री होती है जी। अगर मैं आपसे अभी पूछूं किसी एक बंदा जिसे आप चाहेंगे कि अभी इसी वक्त इसे घर से गेट आउट होना चाहिए, इतना गंदा है, इतना रोहित, ऑफकोर्स उसे अगर, लेकिन अगर मैं डबल इविक्शन के साथ निकली हूँ तो मैं चाहूँगी कि अगर अभी इसी वक्त कोई निकले तो डबल इविक्शन के साथ निकले और रोहित और दीपक इसी वक्त वहाँ से कल्टी मार ले, वो हकदार नहीं है वहाँ पे रहने के। पर अगर रह रहे तो पता नहीं क्या है वो चीज़ जो उन्हें वहाँ पे रोके रख रही है, पर हाँ डेफिनेटली अगर मुझे कहा जाए तो मैं इन दोनों को अभी इसी वक्त बाहर निकालूँ। इसके अलावा
और आपकी दोस्ती भी हमें कई लोगों से देखने को मिली, जैसे कि जसलीन। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिससे आप मानते हैं कि हाँ ये जो है अच्छा कर रहे हैं और आपके अनुसार शायद? सिर्फ जसलीन नहीं, शिव भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा, फिर दीपिका और श्री, ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। श्री, मैं, दीपिका, शिव और जसलीन काफ़ी सेम थॉट्स रखते थे गेम को लेकर, कि भाई दिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, किसी भी लेवल तक नहीं जाना है। अगर दिखना होगा, अच्छी चीज़ें हमारी दिखानी होंगी तो दिखेगी, पर दिखने के लिए सिर्फ बुरी चीज़ें करो, या तो फिर दिखो तो अच्छा दिखो, या तो फिर ना दिखो। दीपिका या श्री, दोनों में से कोई एक पक्का विनर बनेगा और इन दोनों में से ही किसी एक को विनर बनना चाहिए। चलिए आखिरी दो सवाल है मेरा आपसे, पहला ये, लास्ट का दूसरा सवाल ये कि सलमान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो उसे होस्ट करते हैं, हर साल करते हैं, आपके साथ में बहुत ही विटी अंदाज में वो करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही तगड़ा है, बहुत हंसाते हैं वो सब चीज़ें करते वक्त, जितना डांट लगाते हैं उससे कई ज़्यादा वो हंसाते हैं, और बहुत ही मतलब उनकी अब पकड़ उस पर इतनी बैठ चुकी है बिग बॉस के होस्टिंग पे, कि सारे जानते हैं कि वो कितने सालों से उस शो को होस्ट कर रहे हैं, एक ओनरशिप आ गई है उनकी उस शो के ऊपर। तो मज़ा आया उनके साथ काम करके, और किसी ना किसी बहाने उनसे जुड़ने को मिला, मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, और मैं हमेशा उनके बारे में बात करती हुई नज़र आई हूँ बिग बॉस मराठी में भी, कि जब मैं सलमान सर से मिलूँगी या ऐसा होगा वैसा होगा। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ये सीज़न करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये भी एक था कि सलमान सर के साथ काम करने को मिल रहा है, तो दैट वॉज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ये शो किया। बिग बॉस से विनर होकर आई और यहाँ हिंदी बिग बॉस में आपने कम समय के लिए लेकिन धमाका कर आई, तो अब सलमान खान से भी आपकी मुलाकात हुई, तो हम अब ये जो जर्नी अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे अनुसार बहुत ही अच्छी स्टार्ट हुई है जी, तो आप इसे फिल्मों की दुनिया में भी आप ले जाएंगे? लाइक हमें अब आपको, हम आपको हिंदी फिल्में या अच्छी मराठी फिल्में भी आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, अच्छे कंटेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम। मराठी फिल्में तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो ऑफकोर्स उसे कंटिन्यू करूँगी, और अगर हिंदी भी आती है तो मैंने जैसे कहा लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर मी, नॉट ओनली हिंदी या मराठी, कल को साउथ की फिल्म में भी आई तो बंगाली फिल्म में भी आई तो भी मैं करूँगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर, मेरे लिए भाषा ये कोई भी बैरियर नहीं हो सकता अपनी कला को दिखाने के लिए, तो भाषा मेरे लिए उतनी मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ मेरा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो फिर चाहे वो जिस भी लैंग्वेज से आए, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई हैंड्स। चलिए, अपने फैंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेजेस? सभी से यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार आपने मुझे दिया, इतना भरोसा मुझ पे रखा, आपकी उम्मीदें बहुत सारी थी मुझसे कि मैं फिनाले तक पहुँचूँ, पर मैं पहुँच नहीं पाई, लेकिन इतना आप ज़रूर मानेंगे कि मैंने कोशिश पूरी की और दिलो जान से कोशिश की, अगर उस कोशिश में कुछ कसर रह गई हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही हूँ, और शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना सारा विश्वास मुझ पे करने के लिए। आपसे हमेशा जुड़ी रहूँगी, किसी न किसी माध्यम से आपके साथ और आपके सामने आती रहूँगी, फिर चाहे वो फिल्में हो या टेलीविज़न हो, आपसे जुड़ी रहूँगी हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।